Hello friends, welcome to PharmaRox. In this lecture, we will study about the tablet and capsule machines. So you all know about that. In our videos, we solve regarding the some important topics, pinpoint material, and some important tables and topics related to our competitive exams related to pharmacy like GPAT, NIPER, drug inspector, and pharmacist. So in today's lecture and video, we will solve about the tablet and capsule मशीन्स. सो आपको पता है कि जब टैबलेट और कैप्सूल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स एंड जो मशीन्स जो है वो यूज़ होते हैं. सो मशीन के नाम और उनका जो फंक्शन है वो जीपैट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. इट इज़ ए रोटो सॉर्ट. सो रोटो सॉर्ट क्या है? तो रोटो सॉर्ट फॉर फील्ड एंड अनफील्ड कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन एंड फॉर डी डस्टिंग. उसके नाम के अकॉर्डिंग टू रोटो सॉर्ट, सॉर्ट इट मीन्स सॉर्टिंग. सॉर्टिंग करना मतलब कि अलग अलग साइज के अंदर उसको सेपरेट करना है, उसको सॉर्टिंग करना है. सो फील्ड एंड अनफील्ड कैप्सूल को अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्या करता है, वो सेपरेट करके हमें देता है सॉर्टिंग करके, इसलिए उसको कहते हैं रोटो सॉर्ट. देन उसका एक और फंक्शन है, वो है डी डस्टिंग. ओके, सो डी डस्टिंग एंड इट इज़ यूज फॉर द सॉर्टिंग ऑफ द फील्ड एंड अनफील्ड कैप्सूल. सो इट इज़ ए रोटो सॉर्ट. सेकंड वन जो है वो है रोटो फिल. पहले में हमने देखा था वो था रोटो सॉर्ट, मतलब कि पीछे सॉर्ट लिखा था, इट मीन्स इट इज़ यूज फॉर द सॉर्टिंग. इन दिस इट इज़ ए रोटो फिल. रोटोफिल इसलिए कि टू फिल द पैलेट्स इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. सो हमें पता है कि कैप्सूल के दो टाइप होते हैं, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड सेकंड इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. सो इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अलग अलग पाउडर्स, पैलेट्स वगैरह फिल करने होते हैं, तो उसके लिए ये रोटोसॉर्ट जो मशीन है वो यूज़ होता है. सो इट इज़ यूज फॉर टू फिल द पैलेट्स इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. थर्ड वन सिमिलर है, वो है रोटो वे, अ हाई स्पीड कैप्सूल वेइंग मशीन. पीछे वे लिखा है उससे हमें पता चल जाता है इट इज ए वेइंग मशीन फॉर द कैप्सूल. सो आपको जस्ट वो ये याद रखना है ये तीनों में कि रोटो सॉर्ट, रोटोफिल एंड रोटो वे. रोटोफिल, रोटो वे एंड रोटो सॉर्ट, दिस थ्री मशीन्स आर ऑलवेज यूज फॉर द कैप्सूल्स. ओके, ये कैप्सूल्स के लिए ही यूज होते हैं रोटो सॉर्ट, रोटोफिल एंड रोटो वे. रोटोफिल जो है वो फिलिंग के लिए, रोटो वे वेट करने के लिए, एंड जो रोटो सॉर्ट है वो यूज़ होते हैं कैप्सूल्स का सॉर्टिंग करने के लिए. ओके, देन एक और कैप्सूल मशीन है, वो है एको जेल. नंबर फोर्थ वन पे जो है वो है एको जेल. एको जेल इज़ यूज फॉर द फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर जो ड्राई पाउडर्स जो है हमें फिल करना हो तो उसके लिए एको जेल करके जो फिलिंग मशीन जो है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट इज द एको फिल. एको जेल के तरह ही है एको फिल. सो इट फिल द एक्सेस्ट पाउडर डोज इन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. सो एको जेल इज़ फॉर द सॉफ्ट जिलेटिन एंड एको फिल इज़ फॉर द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस जो है वो अच्छे से देख सकते हैं. एको जेल जो है वो यूज़ फॉर द फिलिंग ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड एको फिल इज़ फॉर द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. एको जेल फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, while echo fill is for the filling the exact powder dose in a hard gelatin capsule. The number 6, it is a Worcester machine. Worcester's machine is used for the coating. Okay, it is also called as a Worcester technology, used for the coating of the various tablets. Next machine jo hai wo hai Osaka and Zanussi. Osaka is used for the capsule filling machines for the powder and the granules. Zanussi is also the capsule filling machine and used for the powder, pellets and
the small size tablets. So the Osaka and Janasi are the very famous machines for the filling of the capsule, and the various materials are filled like the powder, granules, powder, pellets and the some tablets. So Osaka and Janasi are the capsule filling machines. Next is the Lily. It is also called a Parquet Davis. It is also one kind of capsule filling machine. Number 9, it is a Lily Parquet Davis. It is a capsule filling machine and mainly used for the filling of the powder in a capsule. Number 10, it is a Pharmatic. Okay, Pharmatic is used for the liquid filling in hard gelatin capsules. Okay, so Pharmatic, Holfizer and Carry. It is a liquid filling machine for the hard gelatin capsules. Number 11, it is Arveca. And Arveca is a de-dusting and polishing capsule machines. This is the important thing. 11 number is the most IMP. It is a Arveca. Arveca's use is de-dusting and polishing of for capsule machine. Okay. Number 12, it is a Sudender. Uses a belt for visual inspection. So जब भी टैबलेट कैप्सूल का जो प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद जो विजुअल इंस्पेक्शन करना आता है तो उसके अंदर जो बेल्ट यूज होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द कैप्सूल एंड द टैबलेट. ओके, सो वो जो पूरा मशीन होता है वो है सुडेंडर. देन नंबर 13, वेरिकैप 1200. वेरिकैप 1200 कैप्सूल वेइंग मशीन. वेरी एंड कैप, कैप से पता चल जाएगा इट इज़ ए कैप्सूल एंड मेन फंक्शन इज द वेइंग, कैप्सूल वेइंग मशीन. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि अलग अलग जो मशीन्स यूज होते हैं फॉर द टैबलेट एंड कैप्सूल्स. सो दिज आर द इम्पोर्टेंट. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि रोटोसॉर्ट जो है वो कैप्सूल फिलिंग, और सॉरी रोटोसॉर्ट इज फॉर द कैप्सूल का सॉर्टिंग करने के लिए, रोटोफिल फॉर द फिलिंग एंड रोटोवे इज फॉर द हाई स्पीड कैप्सूल वेइंग मशीन. देन एकोजेल एंड एकोफिल. एकोजेल जो है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर ड्राई पाउडर फिल करने के लिए, और एकोफिल जो है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए यूज होता है. वुडस्टर इज फॉर द कोटिंग. ओसाका एंड जानासी आर द कैप्सूल फिलिंग मशीन. लिली एंड पार्के डेविस आर ऑल्सो कैप्सूल फिलिंग बट ओनली फॉर द पाउडर. फार्माटिक इज फॉर द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड यूज फॉर द लिक्विड फिलिंग. नंबर 11, अर्वेका डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग फॉर कैप्सूल मशीन. एंड नंबर 12, सुडेंडर यूजेज अ बेल्ट फॉर विजुअल इंस्पेक्शन. देन लास्ट वन 13 इज द वेरिकैप, एंड वेरिकैप इज यूज फॉर द कैप्सूल वेइंग मशीन. सो हमने देखा कि कैप्सूल वेइंग के लिए अलग अलग है कि रोटो वे इज ऑल्सो द कैप्सूल वेइंग मशीन एंड देन द वेरी कैप. सो दिस आर द कैप्सूल वेइंग मशीन. देन फिलिंग के लिए ओसाका भी है, जानासी भी है, रोटोफिल इज ऑल्सो. देन फार्माटिक इट इज फॉर द ओनली लिक्विड फिलिंग इज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. 10 नंबर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. एंड देन 11, अर्वेका डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द कैप्सूल machine. So all the best friend and good luck for your exam preparations.